जहीर खान से इरफान पठान तक, नवाब पटौती से अजहरुद्दीन तक, देश के दिग्गज मुस्लिम क्रिकेटर्स, कितनी बड़ी है फैमिली। पूरे देश में यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात हो रही है। किस सांसद और मंत्री के कितने बच्चे हैं, पब्लिक इसका गुड़ा भाग करने में लगी हुई है। लेकिन आज हम आपको टीम इंडिया के 8 मुस्लिम खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे कि इन खिलाड़ियों की कितनी संतानें हैं। ये भी आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय टीम में कई मुस्लिम खिलाड़ियों ने अपने खेल से पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है। देश की जीत के लिए जी जान लगा देने वाले इन क्रिकेटर्स की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही है। कोई अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में रहा तो कोई मजहब से बाहर शादी करने के लिए। फिलहाल आइए जानते हैं कि टीम इंडिया के इन चर्चित चेहरे रहे मुस्लिम क्रिकेटर्स के कितने बच्चे हैं। मंसूर अली खान पटौदी। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज रहे मंसूर अली खान पटौदी के 3 बच्चे हैं। फिल्म एक्टर सैफ अली खान, उनके अलावा 2 बेटियां सोहा और सबा। सोहा भी फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं। टाइगर निकनेम वाले पटौदी एक भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। नवाब पटौदी को भारत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में गिना जाता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन। टीम इंडिया के कप्तान रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन के 2 बेटे थे। एक बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। भारत में कुछ ही क्रिकेटर हैं जिन्हें कलाई से बॉल को बॉर्डर के बाहर भेजने में महारत हासिल थी। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है मोहम्मद अजहरुद्दीन। कलाई के जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाले अजहरुद्दीन अपने दौर के न केवल बेहतरीन बल्लेबाज रहे बल्कि एक श्रेष्ठतम फील्डर भी रहे। मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मोहम्मद कैफ को उनकी बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाना जाता रहा है। इसके अलावा मोहम्मद कैफ कई बार टीम इंडिया को मुश्किलों से बाहर निकाल जीत हासिल कराने में मददगार रहे हैं। जहीर खान। जहीर खान ने साल 2017 में एक्ट्रेस सागरिका घाटके से शादी रचाई थी। इस दंपत्ति की फिलहाल कोई संतान नहीं है। जहीर खान जैसे स्विंग आज भी गेंदबाजों में दिखाई नहीं देती है। वसीम जाफर। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रहे वसीम जाफर के 2 बच्चे हैं। इरफान पठान। टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर रहे इरफान पठान का 1 बच्चा है। इरफान पठान क्रिकेट के बाद एक अच्छे कमेंट्रेटर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। यूसुफ पठान। इरफान के भाई और टीम इंडिया के तूफानी ऑलराउंडर यूसुफ पठान के 2 बच्चे हैं। यूसुफ पठान को आज भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए देखा जा सकता है। मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी की 1 बेटी है। बता दें कि मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवाद अब तक जारी है। हसीन ने शमी पर घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाया था, साथ ही शमी के भाई पर यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। फिलहाल मामला कोर्ट में है। इस बीच दोनों अलग अलग रह रहे हैं। टीम इंडिया के मुस्लिम क्रिकेटर्स पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।